आज हम 125 साल पीछे जाएंगे, विक्टोरियन इंग्लैंड में, जहां एक सीरियल किलर अपने मिशन पर था। जैक द रिपर, एक बेहद खौफनाक हत्यारा जो केवल नशे में धुत वेश्याओं को अपना शिकार बनाता था। वह कहां से आता था और कहां गायब हो जाता था, यह कोई नहीं जान सका। इस खूंखार अपराधी के कारनामों ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। तो कौन था वो और क्यों करता था वेश्याओं की हत्या? मिस्टीरियस वर्ल्ड आज आपको बताने जा रहे हैं जैक द रिपर की सच्ची कहानी। वर्ष 1988 में सबसे ज्यादा आतंक मचाने वाले इस अपराधी ने एक के बाद एक पांच वेश्याओं का कत्ल किया और उनकी लाशों से हैवानियत की। उसने जिसे भी मारा उसके शरीर का कोई एक अंग गायब मिला। मामले की छानबीन कर रही पुलिस सिर्फ आशंकाएं ही जताती रही। और तभी सितंबर 1888 में लंदन के एक अखबार में एक सनसनीखेज खत छपा। कहा जाता है कि वह खत लंदन के पूर्वी इलाके में घूम रहे एक खतरनाक हत्यारे ने लिखा था। अखबार में छपे इस खत में उसने अपनी पहली हत्या के बारे में विभत्स तरीके से जानकारी दी। उसने यह भी बताया कि वह और हत्या करने वाला है। अखबार में छपे इस खत के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं थी कि इसे उस सीरियल किलर ने ही लिखा है, मगर इस खत ने उस हत्यारे को एक पहचान, एक नाम दे दिया, जैक द रिपर। जैक द रिपर ने पांच हत्याएं की। सबकी जान वह एक खास तरीके से लेता था। उन पांचों के गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से लेते गए थे। दुनिया भर में चर्चित इस कुख्यात अपराधी का आतंक इंग्लैंड के व्हाइट चैपल शहर में बहुत ज्यादा रहा। यह शहर वेश्याओं का गढ़ माना जाता था और जैक ने इसी इलाके में ज्यादातर हत्याओं को अंजाम दिया। उन सभी वेश्याओं की पहचान मैरी एन निकोलस, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडवर्स और मैरी जेन केली के रूप में हुई। इन पांचों की हत्या में एक ही जैसा तरीका अपनाया गया था। निकोलस की लाश 31 अगस्त 1888 को सुबह 3:30 बजे के करीब मिली थी। उसके गले पर काटने के दो निशान थे और उसके शरीर के निचले हिस्से को चाकू से बुरी तरह काटा गया था। इस हत्या को बस एक ही सप्ताह गुजरा था कि एक और वेश्या एनी चैपमैन की हत्या हो गई। निकोलस की तरह ही एनी चैपमैन के गले पे भी 2 वार किए गए थे और शरीर का एक अंग गायब था। लगातार हो रही इन विभत्स हत्याओं से व्हाइट चैपल शहर अशांत हो उठा और हत्यारे को ढूंढने के लिए पुलिस ने अपनी जान झोंक दी, जिसमें उन्होंने शहर के घरों की तलाशी के साथ वहां रहने वाली वेश्याओं से पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने एक आदमी का हुलिया बताया जो चमड़े का एप्रन हमेशा पहने रखता था। पुलिस ने अपनी जांच में एक ऐसे इंसान का पता लगाया जो हमेशा एप्रन पहने रखता था और उसका वेश्याओं के पास भी आना जाना था। पुलिस को लग रहा था कि यही वो कातिल है, पर पुलिस के पास कोई सबूत ना होने के कारण उसे गिरफ्तार ना करके उस पर नजर रखी गई। काफी दिनों तक जब कोई वारदात नहीं हुई तो पुलिस को लगा कि यही वो कातिल है, मगर राहत से पहले ही पुलिस का शक गलत साबित हुआ और सितंबर के अंत में अपने खतरनाक इरादों के साथ जैक द रिपर एक बार फिर सामने आया। इस बार उसने 2 औरतों को अपना शिकार बनाया। यह दोनों हत्याएं रात के 1 बजे हुई और इस बार भी गला रेत कर हत्या की गई थी। दोहरी हत्या की इस वारदात ने लंदन ही नहीं दुनिया भर में सनसनी फैला दी और दुनिया भर के अखबारों में यह खबर की हेडलाइन बनी। पुलिस की मुश्किल तब और बढ़ गई जब आरोपी की ओर से पुलिस को चिट्ठियां मिलने लगी, जिसमें उसने लिखा, डियर बॉस, लगातार सुन रहा हूं कि पुलिस जल्दी ही मुझे पकड़ लेगी, मगर मैं उनके हत्थे चढ़ने वाला नहीं। पिछला शिकार बहुत शानदार रहा, मैंने उस औरत को चीखने तक का मौका नहीं दिया। आपको क्या लगता है, अब वह मुझे पकड़ लेंगे? नहीं, जल्द ही आप मेरा अगला तमाशा देखोगे। यह चाकू बहुत तेज है और मैं शिकार की तलाश में हूँ। गुड लक, जैक द रिपर। कातिल की ओर से ऐसे कई लेटर्स पुलिस को भेजे गए। ऐसा ही पत्र 16 अक्टूबर को व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी के प्रेसिडेंट जॉर्ज लस को मिला। इस पत्र के साथ एक 3 इंच का चकोर बॉक्स भी मेल में आया। जब उन्होंने इस बॉक्स को खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बॉक्स में उन्हें आधी कटी हुई इंसानी किडनी मिली, जिसके बाद डॉक्टर्स द्वारा चेक कराने पर यह पता लगा कि किडनी कैथरीन एडोस की शरीर से निकाली गई किडनी से मेल खाती थी। खत में लिखा था, मैं तुम्हें यह आधी किडनी भेज रहा हूं और इसकी आधी किडनी मैं फ्राई करके खा चुका हूं और यकीन मानो वो काफी स्वादिष्ट थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो चाकू भी भेज सकता हूं जिससे मैंने इस कत्ल को अंजाम दिया। मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो मिस्टर लस्क। इन सभी वारदाताओं के चलते रानी विक्टोरिया को दखल देना पड़ा और उन्होंने पुलिस को सख्त हिदायत देते हुए बोला कि इस इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ाओ और चप्पे चप्पे पर जासूसों को लगाओ।
मगर एक महीने बाद ही जैक को अंदाजा हो गया कि अब शिकार पर निकलने पर कोई खतरा नहीं है। उसका अगला शिकार मैरी कैली बनी, जिसकी उम्र 25 साल थी और यह एक अकेली थी जिसे घर के भीतर मारा गया था। मैरी कैली के कत्ल के बाद जैक द रिपर की हत्याओं का सिलसिला वहीं थम गया और आज तक ये रहस्य। आज हम 125 साल पीछे जाएंगे, विक्टोरियन इंग्लैंड में, जहां एक सीरियल किलर अपने मिशन पर था, जैक द रिपर, एक बेहद खौफनाक हत्यारा जो केवल नशे में धुत वेश्याओं को अपना शिकार बनाता था। वह कहां से आता था और कहां गायब हो जाता था यह कोई नहीं जान सका। इस खूंखार अपराधी के कारनामों ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। तो कौन था वो और क्यों करता था वेश्याओं की हत्या? मिस्टीरियस वर्ल्ड आज आपको बताने जा रहे हैं जैक द रिपर की सच्ची कहानी। वर्ष 1988 में सबसे ज्यादा आतंक मचाने वाले इस अपराधी ने एक के बाद एक 5 वेश्याओं का कत्ल किया और उनकी लाशों से हैवानियत की। उसने जिसे भी मारा उसके शरीर का कोई एक अंग गायब मिला। मामले की छानबीन कर रही पुलिस सिर्फ आशंकाएं ही जताती रही और तभी सितंबर 1888 में लंदन के एक अखबार में एक सनसनीखेज खत छपा। कहा जाता है कि वह खत लंदन के पूर्वी इलाके में घूम रहे एक खतरनाक हत्यारे ने लिखा था। अखबार में छपे इस खत में उसने अपनी पहली हत्या के बारे में विभत्स तरीके से जानकारी दी। उसने यह भी बताया कि वह और हत्या करने वाला है। अखबार में छपे इस खत के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं थी कि इसे उस सीरियल किलर ने ही लिखा है, मगर इस खत ने उस हत्यारे को एक पहचान, एक नाम दे दिया, जैक द रिपर। जैक द रिपर ने 5 हत्याएं की। सबकी जान वह एक खास तरीके से लेता था। उन पांचों के गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से लेते गए थे। दुनिया भर में चर्चित इस कुख्यात अपराधी का आतंक इंग्लैंड के व्हाइट चैपल शहर में बहुत ज्यादा रहा। यह शहर वेश्याओं का गढ़ माना जाता था और जैक ने इसी इलाके में ज्यादातर हत्याओं को अंजाम दिया। उन सभी वेश्याओं की पहचान मैरी एन निकोलस, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडवर्स और मैरी जैन कैली के रूप में हुई। इन पांचों की हत्या में एक ही जैसा तरीका अपनाया गया था। निकोलस की लाश 31 अगस्त 1888 को सुबह 3:30 बजे के करीब मिली थी। उसके गले पर काटने के 2 निशान थे और उसके शरीर के निचले हिस्से को चाकू से बुरी तरह काटा गया था। इस हत्या को बस एक ही सप्ताह गुजरा था कि एक और वेश्या एनी चैपमैन की हत्या हो गई। निकोलस की तरह ही एनी चैपमैन के गले पे भी 2 वार किए गए थे और शरीर का एक अंग गायब था। लगातार हो रही इन विभत्स हत्याओं से व्हाइट चैपल शहर अशांत हो उठा और हत्यारे को ढूंढने के लिए पुलिस ने अपनी जान झोंक दी, जिसमें उन्होंने शहर के घरों की तलाशी के साथ वहां रहने वाली वेश्याओं से पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने एक आदमी का हुलिया बताया जो चमड़े का एप्रन हमेशा पहने रखता था। पुलिस ने अपनी जांच में एक ऐसे इंसान का पता लगाया जो हमेशा एप्रन पहने रखता था और उसका वेश्याओं के पास भी आना जाना था। पुलिस को लग रहा था कि यही वो कातिल है, पर पुलिस के पास कोई सबूत ना होने के कारण उसे गिरफ्तार ना करके उस पर नजर रखी गई। काफी दिनों तक जब कोई वारदात नहीं हुई तो पुलिस को लगा कि यही वो कातिल है, मगर राहत से पहले ही पुलिस का शक गलत साबित हुआ और सितंबर के अंत में अपने खतरनाक इरादों के साथ जैक द रिपर एक बार फिर सामने आया। इस बार उसने 2 औरतों को अपना शिकार बनाया। यह दोनों हत्याएं रात के 1 बजे हुई और इस बार भी गला रेत कर हत्या की गई। दोहरी हत्या की इस वारदात ने लंदन ही नहीं दुनिया भर में सनसनी फैला दी और दुनिया भर के अखबारों में यह खबर की हेडलाइन बनी। पुलिस की मुश्किल तब और बढ़ गई जब आरोपी की ओर से पुलिस को चिट्ठियां मिलने लगी, जिसमें उसने लिखा, डियर बॉस, लगातार सुन रहा हूं कि पुलिस जल्दी ही मुझे पकड़ लेगी, मगर मैं उनके हत्थे चढ़ने वाला नहीं। पिछला शिकार बहुत शानदार रहा, मैंने उस औरत को चीखने तक का मौका नहीं दिया। आपको क्या लगता है, अब वह मुझे पकड़ लेंगे? नहीं, जल्द ही आप मेरा अगला तमाशा देखोगे। यह चाकू बहुत तेज है और मैं शिकार की तलाश में हूँ। गुड लक, जैक द रिपर। कातिल की ओर से ऐसे कई लेटर्स पुलिस को भेजे गए। ऐसा ही पत्र 16 अक्टूबर को व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी के प्रेसिडेंट जॉर्ज लस्क को मिला। इस पत्र के साथ एक 3 इंच का चकोर बॉक्स भी मेल में आया। जब उन्होंने इस बॉक्स को खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बॉक्स में उन्हें आधी कटी हुई इंसानी किडनी मिली, जिसके बाद डॉक्टर्स द्वारा चेक कराने पर यह पता लगा कि किडनी कैथरीन एडॉस के शरीर से निकाली गई किडनी से मेल खाती थी। खत में लिखा था, मैं तुम्हें यह आधी किडनी भेज रहा हूं और इसकी आधी किडनी मैं फ्राई करके खा चुका हूं और यकीन मानो वो काफी स्वादिष्ट थी।
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो चाकू भी भेज सकता हूँ जिससे मैंने इस कत्ल को अंजाम दिया। मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो मिस्टर लस्क। इन सभी वारदाताओं के चलते रानी विक्टोरिया को दखल देना पड़ा और उन्होंने पुलिस को सख्त हिदायत देते हुए बोला कि इस इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ाओ और चप्पे चप्पे पर जासूसों को लगाओ। मगर एक महीने बाद ही जैक को अंदाजा हो गया कि अब शिकार पर निकलने पर कोई खतरा नहीं है। उसका अगला शिकार मैरी कैली बनी, जिसकी उम्र 25 साल थी और यह एक अकेली थी जिसे घर के भीतर मारा गया था। मैरी कैली के कत्ल के बाद जैक द रिपर की हत्याओं का सिलसिला वहीं थम गया और आज तक ये रहस्य